नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक बेन स्टोक्स ने कमाल कर दिया है। मैनचेस्टर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के इस धाकड़ खिलाड़ी ने शतक जड़ दिया। स्टोक्स ने विंडीज के खिलाफ दूसरा और टेस्ट करियर का 10वां शतक लगाया है। 255 गेंदों का सामना करते हुए बेन स्टोक्स ने दूसरे टेस्ट मैच में शतक लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि स्टोक्स के करियर का ये सबसे धीमा टेस्ट शतक है। इससे पहले उन्होंने पिछले ही साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 199 गेंदों का सामना करते हुए शतक लगाया था। यही बेन स्टोक्स हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ महज 198 गेंदों का सामना करते हुए 258 रनों की पारी खेली थी, लेकिन आज स्टोक्स ने बहुत ही धीमा शतक लगाया। बेन स्टोक्स ने अपना शतक चौके के साथ पूरा किया। इसके साथ ही स्टोक्स एलिट क्लास के खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। दरअसल टेस्ट क्रिकेट में 4000 से ज्यादा रन, 100 से ज्यादा विकेट और 10 से ज्यादा शतक लगाने वाले वो दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा अपने 65वें टेस्ट मैच में ही कर दिखाया। इतना ही नहीं, पार्टनरशिप के मामले में बेन स्टोक्स ने एक इतिहास रचा है। उन्होंने डोमिनिक सिबली के साथ मिलकर 500 से ज्यादा गेंदें खेली। साल 2010 के बाद ये तीसरा मौका है जब दो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 500 से ज्यादा गेंदें खेली। ताज़ा खबर मिलने तक बेन स्टोक्स ने विंडीज के खिलाफ 150 प्लस रन बना लिए हैं। ये उनके करियर का दूसरा मौका है जब स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में 150 रनों का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक जमाया था। आपको बता दें, विंडीज के खिलाफ बेन स्टोक्स से पहले डोमिनिक सिबली ने भी शतक लगाया था। इंग्लैंड के इस ओपनर बल्लेबाज ने शतक पूरा करने के लिए 312 गेंदों का सहारा लिया था। स्टोक्स और सिबली के आगे विंडीज के गेंदबाज बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लंबे समय से विकेट नहीं मिला है। आपको बता दें, इंग्लैंड का तीसरा विकेट 81 रन के स्कोर पर गिरा था। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का ये दूसरा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खेला जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।